जी हाँ, हमने रिंकी की शादी कर दी है और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने रिश्ता तो किसी दूसरे लड़के के साथ तय किया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने फ्रॉड किया हम लोगों के साथ, तो उसे मार मार के हमने भगा दिया। और क्योंकि मीर की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया था, बाद में इशिता ने हमें अच्छा सुझाव दिया और मीर के साथ हमने रिंकी की शादी कर दी और हम बहुत खुश हैं इस वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, एज फादर एज फैमिली हम बहुत खुश हैं कि हमें बहुत अच्छा दामाद मिला है हमारे रिंकी के लिए और उम्मीद करते हैं कि उसका जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी ऐसी बातें हो चुकी हैं रमन के साथ, काफ़ी पहले ट्रेजडी रही, शगुन ने अभी तक हमारे को बहुत तकलीफ़ दी है और सिमी के साथ भी ऐसा हादसा हो चुका है। हम यही दुआ करते हैं कि हमारी रिंकी के साथ सब अच्छा ही अच्छा हो, खुशियाँ हो। हाँ, शगुन को फिलहाल तो हमने घर से निकाल दिया, लेकिन उसकी जो आदतें हैं वो जब तक रहेगी तब तक कुछ ना कुछ तो तकलीफ देने की कोशिश करेगी। अब देखिए क्या होता है आगे। बस होली के लिए मैं सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि होली क्योंकि मिलन का त्यौहार है, अच्छे से खुशियों से मिलाएं और रंग एक दूसरे के ऊपर डालें, लेकिन ऐसा रंग डालें जो तकलीफ ना दे, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, खुशियां मनाएं, खूब खाए पिए, ऐश करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल के पूरा त्यौहार का मजा लें। हैप्पी होली। भांग हाँ बोलते तो हैं, लेकिन मैंने कभी ट्राई नहीं की। मैं तो विस्की पीने वाला आदमी, कभी कभी शौकिया पीता हूँ।